हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि नवोदय विद्यालय में वैकेंसीज निकली हुई हैं प्रिंसिपल की, टीचर की और कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो बस आज हम यहाँ पे नवोदय विद्यालय की जो वैकेंसीज़ है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, कितनी सैलरी होगी। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आप इसे कब तक अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आप 14 फरवरी तक 2019 तक इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो मोड होगा वो आपका वो ऑनलाइन ही होगा। और सारी चीज़ों को यहाँ पर हम एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे नवोदय विद्यालय आपको पता है रेसिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पे रहना पड़ता है, रह तो वहाँ पे जो भी आपको इंडिया में जो आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको इंडिया में कोई भी स्कूल कहीं पर भी मतलब पोस्टिंग दी जा सकती है और आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। उसके बाद देखते हैं कि कौन सी पोस्ट निकली है यहाँ पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रिंसिपल की पोस्ट है, ये कैटेगरीज वाइज बताया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। जैसे अनरिजर्व के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 4, इस तरह से ये बताया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की, तो जितनी भी हर 3 वैकेंसीज में से एक पोस्ट यानी एक तिहाई जो पोस्ट है वो ओबीसी और एससी कैटेगरीज के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। ठीक है, तो ये तो कैटेगरी की हो गई कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। आप देखते जाइए एक बार फटाफट से, सब अपनी अपनी कैटेगरी बस देखते जाइए, बाकी देखने का कोई मतलब नहीं है। असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए अनरिजर्व के लिए सिर्फ 2 हैं और हैंडीकैप्ड के लिए एक भी नहीं है। फिर आपका है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अनरिजर्व के लिए अगेन 2 हैं, ओबीसी के लिए 1 ही है, एससी और एसटी के लिए इसमें एक भी पोस्ट नहीं है, असिस्टेंट में भी एससी एसटी के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सीट्स यहाँ पे हैं। अब आ जाते हैं पीजीटी पे, तो यहाँ पे देखना देखिए आपके यहाँ काफ़ी सारी पोस्ट है। तो टोटल जो है सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट है। जनरल्स के लिए टोटल 106 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 57, 37 एससी के लिए, 18 एसटी के लिए, तो इस टाइप से पोस्ट जो है वो डिवाइड की गई हैं। तो यहाँ पर आप जिस सब्जेक्ट से, अब ये सब तो ठीक है बात की बात है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए पोस्ट वगैरह कितनी है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ मेन बात पे आते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी फिर और करके बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर ये नहीं तो ये हो, ये नहीं तो, लेकिन इन शॉर्ट ओवरऑल घुमा फिरा के बात वही है कि आपके पास एकेडमिक्स में मास्टर डिग्री और बीएड की डिग्री और एक्सपीरियंस में इतने में से कोई भी एक्सपीरियंस आपका हो सकता है अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो भी वाइस प्रिंसिपल के रूप में आपने काम किया हो, ठीक है, इस तरह से, या कहीं प्रिंसिपल के रूप में आपने काम किया हो, या पीजीटी और लेक्चरर के रूप में काम किया हो, या 15 सालों का, ठीक है, पीजीटी के रूप में 15 सालों तक आपकी रेगुलर सर्विस रही, तो ये सारे एक्सपीरियंस है प्रिंसिपल के लिए। खैर, अब आ जाते हैं टीचर्स पे। कंप्यूटर ऑपरेटर में वही चीज़ है आपके लिए, कंप्यूटर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, वो सब छोड़ के हम अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि जो आपको करना है एक्चुअली अप्लाई पीजीटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पोस्ट है सब्जेक्ट वाइज है, और एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है इसका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका कम से कम आप 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आपको अप्लाई करना है उस सब्जेक्ट से। इसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और अगर आप आईटी से पीजीटी बनना चाहते हैं तो फिर आपके पास या तो बी हो, या तो बीएससी एमएससी हो, या एमसीए हो, इस तरह के यानी कि जो भी कंप्यूटर क्वालिफिकेशन होती है वो आपके पास उसकी डिग्रीज होनी चाहिए। बीएड की डिग्री और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकने का अनुभव, मतलब आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए पीजीटी के लिए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वही सारी चीज़ें मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, इतना सारा रीड करने का कोई मतलब नहीं है। एज रिलैक्सेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या है यहाँ पर। तो एज रिलैक्सेशन आपको वैसे उसमें 40 ईयर्स बताया हुआ है कि 40 ईयर्स से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, और जो रिलैक्सेशन मिला है अलग अलग कैटेगरी को तो वो वही हमेशा की तरह कि एस टी एस सी को 5 ईयर्स का,
और ओबीसी को 3 ईयर्स का इस तरह से, वुमेन्स जो हैं वो उनको 10 ईयर्स का इस तरह से रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बातें मेन जो बात है कि मोड ऑफ सेलेक्शन क्या होगा, सेलेक्शन होगा कैसे, क्योंकि सीट्स बहुत कम है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जाम्स होंगे और साथ में इंटरव्यू होगा, और दोनों के मार्क्स को कंबाइन करके जो आपकी मेरिट बनेगी उसके बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो रिटर्न एग्ज़ाम इसका होगा, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो वो तो जो आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। अब जो मेन बात है कि पे स्केल का क्या होगा, मतलब कितना हो सकता है, तो पे स्केल सबका अलग अलग है। 27,000 से 45,000 रुपये तक समथिंग मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। ओके, लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अब बात है कि अप्लाई कैसे करें, तो बिल्कुल ऑनलाइन ही एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट होंगे, हार्ड कॉपी में एक्सेप्ट नहीं होगा। साथ में आपको ध्यान रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, जो कि पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके पासवर्ड आएंगे, मेल्स आएंगे, वो सब उसी में आएंगे, ठीक है। तो एक ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप फॉर्म भरते वक्त अपनी कैटेगरी फिल कर देते हैं, कैटेगरी गलती से भी अगर आपने फिल कर दी है तो कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म भरने के स्टेप 1 और स्टेप 2 जब तक आप सबमिट नहीं कर देते हैं तब तक आप उसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी फिर आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ तो आपको सारी प्रोसेस ऑलरेडी पता होगी। अब बात आती है एग्जामिनेशन फ़ीस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन फ़ीस किस किस पोस्ट के लिए कितना है। तो देखिए, अगर प्रिंसिपल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1500 रुपये रहेगा आपका। फिर असिस्टेंट कमिश्नर यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं तो भी 1500 होगा। पीजीटी के लिए 1000 और असिस्टेंट के लिए 800 और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी 800 रुपये जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस होगी। यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस में आप देख रहे हैं कि कुछ भी अलग सा नहीं बताया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए फ़ीस फ्री रहेगी या किस, अलग अलग कैटेगरी वाइज नहीं दिया है, तो इससे ये हम कह सकते हैं कि फ़ीस इतनी होगी। आगे देखते हैं इसमें क्या है। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो ये तो आपको पता है कि आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, जो आपकी होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान आपको अपने साथ रखना होगा। तो बस इतना ही था इसमें मेन बताने के लिए चीज़ें जो थी। डेट्स देख लीजिए, कब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, रजिस्ट्रेशन जो आपका ऑलरेडी 15 जनवरी को ही ओपन हो चुका था और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा आपका 14 फरवरी को। फीस जो है वो आप 15 जनवरी से क्या बोलते हैं 15 फरवरी तक डिपॉजिट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे 10th of March से, और जो डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन है यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च के ही लास्ट वीक में होगा। तो बिल्कुल अभी आपके पास 2 महीने के पूरा पूरा टाइम है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल आप फिट बैठ रहे हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।